हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट एक करी। आरती नंदा, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन अदरक, एक टमाटर है बड़ा ऐसा, बारीक कटा हरा धनिया, लहसुन अदरक को हम लोग मिक्सी जार में डाल रहे हैं। प्याज डालें और कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें। इन सब को मिलाकर हम पेस्ट बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालें और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। देखिए, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम अंडा को डाल रहे हैं कटोरा में तोड़कर। 3 अंडा है, सबको एक साथ हम लोग डालकर फेंटेंगे। थोड़ा धनिया पत्ती डालें, फिर बारीक कटा हुआ एक प्याज डालें मीडियम साइज का, और इसमें थोड़ा नमक जाएगा अंदाज से, और एक हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देते हैं, छुरी से नहीं काटते, हाथ लहरने लगता है ना, इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग फेंटेंगे। और इसमें 2 चम्मच दूध डाल देते हैं, इससे अंडा फुला फुला हुआ फ्लफी बनता है। आप लोग भी बनाकर इसको देखें। चढ़ा दिए गैस पे, और इसमें 2 पल्ली से थोड़ा कम सरसों तेल डाल देते हैं। सरसों तेल ही खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। और इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं, घर का बनाया हुआ मेरा खुद का है, इसको भी बता देंगे आप लोग को। फिर तेज़पत्ता इसमें डाल दिए, तेल गर्म होने के बाद देख लेते हैं। पहले एक ढक्कन लिए और थोड़ा थोड़ा कर मसाला डालें, छीटा ना पड़े, चेहरा को बचाकर, हाथ को बचाकर। थोड़ा सा में दाग हो जाता है, चेहरा पर छीटा पड़ जाता है, छूटता नहीं। तो इसको धो कर भी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि मसाला वेस्ट ना हो। धो कर डाल दिए इसको, भूनना है। इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर थोड़ा सा नमक, अंदाज से नमक डालना है, तेज नमक है। तेल ना छोड़ दे तब तक भूनना है इसको। ये थोड़ा सा मेरा घर का लुक है। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये वाला अंडा करी दो। जीरा गुलकी और गरम मसाला का पाउडर डालें, फिर हम लोग चिकन मसाला थोड़ा डालते हैं इसमें। ये जाएगा चिकन मसाला, और इसको चलाते हैं। ये देखिए, पानी पूरा सूख रहा है, अब तैयार हो नहीं पर मसाला भून जाया जैसा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा एकदम कम कर
हैप्पी है, रोटी के साथ, चावल के साथ, सभी चीज़ के साथ अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं अंदाज से, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए हम तो और डाल रहे हैं, इसलिए ग्रेवी हम लोग बच्चों को पसंद ज़्यादा है। ये देखिए, और फिर अंडा में भी अब्जॉर्ब होगा ना, थोड़ा पानी सूख जाएगा उसमें भी जाएगा। ये देखिए अब हम इसे ढक देंगे, 5 मिनट तक ढके रहे। हमारा बालकनी पौधा का बहुत शौक है। हमारा ग्रेवी तैयार हो गया, चढ़ा दिए अंडा के लिए, और इसमें हम रिफाइन डालते हैं। मेरा चमची है, उसी से 2 चमची डालें, और आधा अंडा इसमें डाल दिए, 3 अंडा को फेटे थे, आधा इसमें डाल दिए, फैला लिए। अब देखिए ये हमारा अंडा ऑमलेट तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें डाल चुके हैं, हमारा आप रेडी हो गया। कट कर लिए सारे को, सारे को एक जगह हम लोग जमा कर लेते हैं। फिर हमारा ग्रेवी ये तैयार जो है, उसमें हम सारे पीसों को डाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे डालते हैं, छीटा ना पड़े। ये देखिए सारे को डुबो दिए इसमें, अब हम यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दिए। धनिया पत्ती डालने से स्वाद में 4 चम्मच लग जाता है। मिक्स कर दिए सारे को,